श्री चक्रधर स्वामी की जय। जीव देवता प्रपंच और परमेश्वर हे जैसे असे तैसे जानीजे, ऐसा श्री चक्र स्वामी महाराज ने कहा है कि इन चार पदार्थों के बारे में जानना चाहिए। तो हमने जीव का स्वरूप की वीडियोस देखे, 10 थे, देवता का स्वरूप के बारे में देखा। आज हम अब देखेंगे प्रपंच। आज है 2 दिसंबर 2021। तो ये प्रपंच के कुछ सूत्र लिखे हैं यहाँ पर। सकल ही प्रपंच पंच भौतिक त्रिगुणात्मक, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश रजतम सत्व अष्ट बैरवा चौठाई पाचे भूते तीनी गुण, प्रपंच अनित्य प्रपंच व्यभिचार्या विश्व रूपच ये ठावनी मृतिका पर्यंत प्रपंच बोली जय। विश्वाख्या प्रपंची भूते तन मात्रा धातु भूते तत्व यांचिया तन मात्रा ते सूक्ष्म प्रपंच बोली जय। यदनंतरम यद दृश्यते ततस्य कारणम। ये अभी 8 सूत्र लिखे हैं हमने। इसके अलावा थोड़े से सूत्र और भी होंगे, वो हम साथ साथ इसके बाद देखेंगे दूसरी क्लास में। ठीक है जी, प्रपंच की सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। प्रपंच, ठीक है जी, एक्चुअल में क्या है प्रपंच? जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो है 5 भूत और 3 गुण। ठीक है जी, तो पहली ही हम डेफिनेशन देखते हैं। जितना भी प्रपंच है, हिंदी में क्या बोलेंगे मैं इसको बता रहा हूं, सकल ही प्रपंच, जितना भी प्रपंच है वो क्या है? 5 भूत और 3 गुण है। 5 भौतिक वस्तुएं और 3 गुण आत्मक। ठीक है जी, क्या है ये 5? फोन सारे साइलेंट कर दीजिए प्लीज, जिसके भी चल रहे हैं। वो प्रॉब्लम डिस्टर्ब होती है, मेरे को कनेक्शन टूटता है मेरा, जिस जिसके फोन आए मेरा लिंक टूट जाता है। ये आवाज आ रही था यहाँ से, नेटवर्क बंद करके उसको कर दीजिए सर, मेरे को ना फिर प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस हो जाती है माइंड में, जो लिंक्स होते हैं वो टूट जाते हैं ब्रेक आते जो। जितना भी प्रपंच है वो क्या है? 5 भूत और 3 गुणों का संगम है, कट है। समझ आ रही बात? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 थिंग्स। 8 चीजों का संगम है, उनमें 5 जो है वो दिखाई देने वाली है, 3 जो है वो दिखाई नहीं देने वाली। ठीक है जी, जो भौतिक जब आ जाएगा तो क्या है? भूतों का एकत्रीकरण, एकत्र होना, भौत एक, भूत एकत्रीकरण, भूत एकत्रीकरण जब होता है तो उसे कहेंगे भौतिक। क्या कहते हैं? 5 भूतों का जब एकत्रीकरण होता है, एकत्रीकरण समझते हो, इकट्ठा जब होता है उसे भौतिक कहेंगे। ठीक है जी, और क्या है? 3 गुण आत्मक। 3 गुण है रजतम सत्व, आत्मक यानी उसमें 3 गुणों का अपनेपन का भाव है उन 5 भूतों के अंदर। शब्द क्या है? आत्मक, जैसे सर्व आत्मक है ना परमेश्वर, सर्वात्मक, तो आत्मक है, तो आत्मक यानी अपनेपन का भाव है। रजतम गुण, रजतम सत्व जो 3 जो हैं, इनका 5 चीजों के अंदर अपनेपन का भाव है। ठीक है जी, अपनेपन का भाव कैसे? हाँ बताते हैं, वो मुझे पता अभी दिमाग, जड़ वस्तु का अपनेपन का भाव कैसे हो गया है ना, अभी ये तो कहानी है सारी, सारी कहानी यहीं पे है कि हमें लगता है कि वो जड़ है। ये वाला सूत्र अगला आ जाएगा, करते हैं अभी। अभी इसलिए प्रपंच का पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ। इसमें सब यही 8 सूत्र ही हैं, 4-5 सूत्र और हैं, ज़्यादा सूत्र नहीं है, 10-12 सूत्र ही हैं। अब ये जड़ भी है और चेतन भी है, कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। पहले सारे सूत्र समझ लीजिए, फिर आपका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम।
फिर उनकी मेन प्रॉपर्टीज देख लीजिए, जितना भी प्रपंच है पांच भूत और तीन गुण के अलावा कुछ भी नौवीं चीज नहीं है, नौवीं वस्तु कोई नहीं है। अब कोई भी चीज उठा लो, ये चाहे ये उठाओ, चाहे कॉपी उठाओ, चाहे सोना उठाओ, चांदी उठाओ, मिट्टी उठाओ, कुछ भी उठा लो, कोई भी लिक्विड चीज उठा लो, कोई भी सेमी सॉलिड उठा लो, सब कुछ जो है इन आठ चीजों का कॉम्बिनेशन है। आपको कोई नौवीं चीज है? नहीं। आठ का कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट है। जो लिक्विड चीजें होंगी उनमें जल ज्यादा होगा, बाकी चीजों का कॉम्बिनेशन अलग होगा। जैसे आप दवाई लेते हो उसमें कंपोजिशन लिखा होता है ना, रेशो लिखी होती है उसके अंदर, तो इसी तरह से वो आठ कंपोजिशन होगा, उसमें कंपोजिशन का परसेंटेज डिफरेंट होगा। सोना मिट्टी है, पृथ्वी है, मिट्टी नहीं है पृथ्वी है। हाँ, कहते सब कुछ मिट्टी है, नहीं, सब कुछ पृथ्वी है। सोना भी पृथ्वी है, चांदी भी पृथ्वी है, लोहा भी पृथ्वी है, पर उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो अलग अलग है। अब गोल्ड में येलोनेस ज्यादा है, इट मीन उसके अंदर जो प्योरिटी है वो येलोनेस ज्यादा है, सूक्ष्म तत्व ज्यादा है। लोहे में स्थूल तत्व ज्यादा है, भारी होता ना लोहा ज्यादा, तो ऐसा सब कुछ पृथ्वी ही है मेन। उसमें उसको हम गलाते हैं तो पानी बन जाता है, पर पानी नहीं बनता, वो पतला होता है, ठीक है, वो पानी नहीं बनता लेकिन वो पतला हो जाता है, ऐसे हिलने लगता है जब टेम्परेचर उसका चेंज, अग्नि का ऊपर बन जाती है उसके अंदर। सोने को गर्म करो तो क्या था, अग्नि की मात्रा बढ़ा दी तो उसका थोड़ा थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। हम कुछ भी चीज होती है साचे में लोहे को पिघला देते हैं तो अग्नि बढ़ा देते हैं तो लोहा पिघल जाता है, पिघल जाता पानी नहीं बनता, वो पानी की मात्रा भी उसमें से चेंज हो जाती है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। मिट्टी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जब हम बिजली अग्नि बढ़ाते हैं तो उसमें पानी का भी रेशो बढ़ जाता है। ये सब कुछ जो है, जो कांच बनता है वो भी मिट्टी को रेता को बड़े टेम्परेचर पे गलाते तो कांच बनता है। जितना बाकी कपड़ा हमारा है ये भी मिट्टी से निकलता है लेकिन इसकी लाइफ टाइम कम होती है। अब जो भी कोई वस्तु लेकर आओगे, अब ये बिजली जो है ये अग्नि है, ये इसमें अग्नि का कंपोजिशन ज्यादा है, पानी है ही नहीं इसके अंदर तो, लेकिन पानी में से बिजली भी बनती है। हवा से भी बिजली बनती है, वायु से भी बिजली बनती है, सब कुछ होता है। अग्नि से भी, यानी धूप से भी, सोलर से भी बिजली को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वो, यानी उनमें से प्रकाश निकालते हैं, वो बिजली बनती, मतलब प्रकाश को जनरेट करते हैं, जनरेट नहीं करते आप कह सकते हो, उसको कन्वर्ट करते एक तरह से, उसको अपने यूज के लिए हिसाब से, जैसे हम आरओ लगाते हैं तो अपने हिसाब का जल निकाल लेते हैं, शुद्ध जल। तो ये मनुष्यों ने, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन चीजों को अपने हिसाब से यूज के लिए, मनुष्य ने इसको, इन चीजों को समझा और इनके लिए कुछ प्रोसेस बनाए, ठीक है, उससे ये सब कुछ हम बिजली ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, शक्ति बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं देवता जो है विद्युत है, प्रकाश है। तो ये प्रकाश का प्रकार है, एक हमने उसको एक छोटे से हिस्से में 20 वाट 30 वाट का कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ भी ले आओ आप, हमारा शरीर है इसमें कहते हैं कि 70% वाटर है, 72% वाटर है। मैंने किसी को सुन रहा था, वो कहते कि आप खाने पीने पे ध्यान देते हो, आप एक बात क्यों नहीं सोचते 70% पानी है तो उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते आप। अट्ठाईस परसेंट आपका दूसरा है, 70% पानी है शरीर के अंदर, उसको भी तीसरा हिस्सा माइंड लेता है, पानी माइंड के अंदर ना। तो आप इस चीज को, मैंने हैरान हो गया उस बंदे की बात सुन के, कहता है जी आप कहते हो खाना पीना कैसे चाहिए, खाना कैसे चाहिए, पीने पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, कहता आप इसलिए बीमार होते हैं। वो कंपोजिशन आपने बदल दिया,
तो वो क्या बोलते हैं, पानी कितना पीना चाहिए, आपकी बॉडी का जितना वेट है 70 किलो, उसको 10 से डिवाइड कर दो, 7 रह गया, उसमें से 2 किलो निकाल दो, तो 5 किलो, 5 लीटर पानी पीना है एक दिन में। नहीं ऐसा नहीं है, आपका वेट अगर 60, सुन लीजिए प्लीज, ओ माताओ सुन लो, अपनी वर्जन अपने बाद में रखना, 65 किलो भार है तो उसका 10वां हिस्सा हो गया 6.5 किलो, उसमें से 2 लीटर निकाल दो, तो 4.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए बंदे ने, जबरदस्ती पीना चाहिए। कहते हैं पेशाब बड़ा आंदा है, वो जो पेशाब आता है वो वेस्टेज लेके आता है साथ आपकी बॉडी में। सुबह आपको सिप सिप पानी पी, जब वो कहता है सिप सिप पानी पियो जैसे चिड़िया पीती है या डॉग पीता है, आप कभी बीमार नहीं होगे। वो गटर गटर पी जाते हो और खराब करता है। सर्दियों में तो पिया ही नहीं जाता, रात को कोसा पानी लेके आए देखो, रात को स्पेशली भर के लाए हैं, फिर टाइम कितने जाता थोड़ा, छोड़ दे ना मोबाइल नो, फिर टाइम कहाँ है, फिर हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम है, हॉस्पिटल के लिए पैसा कमाने के लिए टाइम है, सुबह नहीं दिन में तो होता है। कहने के बाद कुछ भी समझो आप, वो सबसे पहले हमारे बोलते थे सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, एक गिलास नहीं, अभी आप देखो रात के बाद पानी कम, जैसे सुबह आते ज्यादा पीना चाहिए, फिर धीरे धीरे कम करना चाहिए, रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी जरूर पीना चाहिए एक गिलास, हार्ट अटैक नहीं होगा कभी। हम लोग 72% कॉम्पोजिशन, हमारी बॉडी की 72% कॉम्पोजिशन वाटर है, हम कभी ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर। हमने क्या बोला, शरीर हमारा मिट्टी का बना हुआ है, वैसे मिट्टी तो बना, कि पानी कितना है, फिर वायु है, गोडे दर्द होते हैं, ठीक है जी। अब उसमें रह गया आकाश, अग्नि मतलब जठर अग्नि होती है, कहते ना गर्मी चढ़ी तेनू बड़ी अग लगी है, पंजाबी में बोलते ना अग लगी है नेरी आई हुई है, वो होता है सब कुछ, वो अग्नि होती है, 2-3 प्रकार की होती है, वो शरीर में होती है सबके। वो आकाश जो होता है ये कहाँ पे होता है, आकाश मतलब जो भी आपको खाली चीज दिखाई दे रही वैक्यूम, उसमें आकाश तत्व होता है। आकाश की डेफिनेशन क्या बताई, जो भी आपको, ये सब आकाश तत्व है, इसके अंदर मैंने मुंह बंद है, मैंने मुंह खोला, इसके अंदर आकाश तत्व चले गया, ये जो नाक के अंदर छिद्र है, ये खाली जगह है, इसके अंदर आकाश तत्व भरा हुआ है, यहां सारा आकाश तत्व है, जरा मेरा हाथ घूम रहा है, क्या तत्व है, दिखाई थोड़ी देगा वो। हम कहते हैं आसमान ऊपर है, आकाश ऊपर है, नहीं, ये पृथ्वी के ऊपर जितनी खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, इसमें आकाश तत्व भरा हुआ है, तभी हमारी साउंड जा रही है ना, मेरी आवाज कैसे जा रही है, मेरी आवाज आवाज कैसे जा रही है, आकाश तत्व के माध्यम से जा रही है। अभी हवा पंखा चला दो या कोई चीज आवाज साउंड कर दो, उचित आवाज नहीं जाएगी। आकाश तत्व के बारे में मैं भी समझता, पता नहीं आकाश आसमान में कोई आकाश कहते हैं, आकाश नीला आकाश है, सारे वही समझते थे। जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, कहता है जी जो भी ये आपका हाथ घूम रहा है ये आकाश तत्व में घूम रहा है, और ये लाइट जो आ रही है ना आकाश तत्व के बीच में से आ रही है, उसमें लिखा हुआ है मोकली जगह, पोकल जो जगह है, खालीपन जो है, उसमें हवा और आकाश तत्व भरा हुआ है, ज्यादा कॉम्पोजिशन ज्यादा है। मोबाइल भी आकाश तत्व की तरफ से आप समझ लीजिए जा रहा है, तरंगे जो है, एक लेवल के बाद तरंगे नहीं जाती है, वो उसका जो कैरियर है वो आकाश तत्व है। वायु यानी हवा, सांस हम ले रहे हैं जा रही है, कहते हैं दरवाजा खोल हवा नहीं आ रही, हुमस हो रहा है, हवा नहीं आ रही मतलब क्या है, आकाश तत्व है, लेकिन जो एयर है उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, कितना सांस नहीं आ रहे हैं मेनू, ज्यादा लोग हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना शुरू हो गई, इसलिए हम दरवाजा खोलते कि ताजी हवा और बस ही जाए। बाकी पृथ्वी हो गया, जल आपको बता दिया, वायु बता दिया, अग्नि बता दी, अग्नि जो है वो शरीर के अंदर होती है बॉडी, कहते हैं गर्मी लगी, उन्होंने कह रही थी कॉफी ना पियो तो गर्मी बड़ी लग रही है
गर्म चीज, गर्मी लगती है ये, इसको गर्मी मतलब अग्नि, अग्नि का रूप होएगा। हम आग सेकते ना सर्दियों में, आग सेकते अग्नि सेकते हैं ना, उससे क्या वो सर्दी का जो अग्नि की मात्रा जो कम है, अग्नि की मात्रा बढ़ जाएगी तो कंबल लेते क्या होता है, अग्नि बढ़ाते ना हम लोग, कुछ होता है क्या उससे, अब ये ठंड लग रही तो कहते ऐसे करो शरीर से गर्मी आ जाएगी। अभी हम तो सर्दियों में थोड़ा सुबह वॉक कहते हैं, वॉक करके आओ तो सबसे बेस्ट है, बॉडी के अंदर हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चले तो पसीना भी आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब पांचों चीजें जो हैं, कोई ना कोई एक्शन उन पे होता है तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं आप। पुराने ऋषि लोग तो हवा में से पानी पी लेते थे, उनको ऐसे आसन थे, वो जीभ ऐसे करके हवा में जो पानी का कंपोजिशन है वो पानी पी के अपने जुबान को ठंडा कर लेते थे सारा, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, उनको जो योगासन है, योगासन के अंदर शीतलोपादन आसन कुछ तो है, उससे क्या होता है वो प्यास लगती ना, हम कहते हैं मुंह सूखा हो रहा है, वो ऐसे करके उसका पर है वो ठंडक जाती है, उससे उनका जो मुंह सूख रहा है वो सूखना गीला हो जाता है। अगर प्यास लगी है तो पानी ना ही है आपके पास, ऐसे ऐसे वो ऋषि मुनि लोग ऐसे करते थे, उनको ये चीज सिखाई जाती थी, ये योगासन के सारे तत्व हैं। तो ये जो है पांच चीजें हैं, पृथ्वी जल वायु, ये इसकी नॉलेज सबको है, पूरी सब शास्त्रों में पृथ्वी जल वायु अग्नि काश को बताते हैं वो, ऐसा नहीं है। पर आगे ये जो तीन चीजें हैं वो है, हर पांचों चीजों के अंदर रज भाव, तम भाव और सत्व भाव होता है, लेकिन तीनों का कंपोजिशन परसेंटेज 33-33-33 होगी, ऐसा नहीं है, किसी में 10%, 5% और 85%, किसी में 30-30-40, किसी में 60-20-10-20, 70-20-10, ये बदलता रहता है। पृथ्वी के ऊपर हर 6 फुट के बाद इसका कंपोजिशन चेंज होता है, हर 8 हाथ में, यानी आपको ना सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो 2 हाथ 2 गज की दूरी क्यों है, 2 गज इधर 2 गज इधर, 4 गज हो गया। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में कि इतनी दूरी के बाद इसका कंपोजिशन चेंज होता है, रज तम सत्व का। ये 2 गज की दूरी ऐसे नहीं बनाया उन्होंने, 2.5 गज क्यों नहीं बोला, 1 गज क्यों नहीं बोला, 6 गज क्यों नहीं बोला, साथ वाले से अटैच ना हो। हाँ, यानी हमारा जो हाथ जहां तक जाते हैं इतना ही हमारा ऑरा होता है, नहीं तो फिर उसका इंप्रेशन, हाँ, उसका ऑरा हमारे ऑरा से मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, उसका रज मिल जाएगा हमारे साथ, वो ट्रेवल करना शुरू कर देगा। हम किसी के साथ चिपक के बैठते हैं, परे हट, चिपकी जाना पे मेनू, बोलते कि नहीं बोलते, क्यों बोलते हैं हम लोग, एक उसके पीछे साइंस है, वो साइंस इसी प्रपंच से जुड़ी हुई है, उसके अंदर बॉडी में जो रज तम सत्व है वो हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे जब टच करेगा। 2 तारे साथ में जा रही है, कुछ नहीं होता, लेमिनेशन लगा हुआ है, जब वो जुड़ी नहीं, एक उसकी उसका नेगेटिव पॉजिटिव उसके अंदर जांच होगी, इसलिए किसी के साथ हम पक्के नहीं बैठते। हाँ, आप सोचो आप कोई गाड़ी में बैठा हो, चिपक के आपको वैसे ही लगना शुरू होता है, पता नहीं कि जल्दी सफर खत्म हो, ये कौन घबराहट में शुरू हो जाती है, तो चंगा दो दिमाग तभी ठीक हो गए हैं, वरना वो बसों में आता है वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ये करे सब लिखा हुआ है, वुमेन हरासिंग जो भी है वो जान के करते हैं, या बाय डिफॉल्ट भी होता है झटके, वीडियो बनाते हैं झटका लग रहा है, तो वो चीज एक सच्चाई है, वो लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, रजतम सत्व का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो मैं ट्रेन जा रही थी, एक बंदा मेरे को खड़ा सिगा, इरिटेशन हो रही थी, कैसे कहाँ जाऊं मैं, भीड़ में तो बहुत ज्यादा हो जाती है, भीड़ हाँ भीड़ हो तो और हो जाता है, दूर हो मेरे तो, परे हट, परे हट। तो ये सब क्या है, ये सारा प्रपंच का खेल है,
पांच चीजों का खेल है। हम कहते हैं प्रपंच का खेल है, मैं कहता हूं रजतम सत्व का खेल है, तीन गुणों का खेल है। प्रपंच के अंदर जो रजतम सत्व है, तीन गुण है, उसका खेल है ये सारा। अब लाश के पास बैठे रहो, कुछ नहीं होता आपको। उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, उसमें फिर उसमें शुरू होता ना, चीज शुरू होती ना वो, फिर वो डीकम्पोज होनी शुरू हो जाती है। उसमें वो कहता है उसको हाथ लगाओ तो कोई सेंसेशन थोड़ी, जिंदे बंदे को लगाओ तो सेंसेशन होती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, अभी सिर्फ परपंच की बात कर रहा हूं। अब इस परपंच के अंदर जब जीव आएगा तो और भी खतरनाक काम होएगा। अभी हम सेपरेट सेपरेट सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीव को और प्रपंच को अलग अलग पढ़ रहे हैं। जब इसको इकट्ठा किया जाएगा तो क्या क्यामत आएगी, क्यामत आएगी तो फिर आप देखना। मैं तो सोच सोच के थक गया हूं, क्या क्यामत कर सकता है जीव से प्रपंच का साथ आ जाए तो। खैर, हम प्रपंच का टॉपिक करते हैं यहां पर। तो फर्स्ट हमारा जो है, जितना भी प्रपंच है वो पांच भूत और तीन गुणों का संगम है, मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। फिलहाल आप यहीं पर इतना ही समझ लीजिए, ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। दंडवत प्रणाम, श्री चक्रधर स्वामी की। पहला वीडियो प्रपंच का यहाँ संपूर्ण होता है।